तो बाबा साहब की मांग मुद्रा पर, भारतीय मुद्रा पर होनी चाहिए, इसके हमारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर वे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की, और रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है। एक मुद्रा का अर्थव्यवस्था में कैसे संचालन हो, कंट्रोल कैसे हो, बजट रेपो रेट क्या हो, इन सब पे कंट्रोल होता है, तो वो सोच बाबा साहब की थी। बाबा साहब ने ब्रिटिश पीरियड में रुपये की समस्या पर शोध किया, वो एक अच्छे अर्थशास्त्री थे हैं, और उन्होंने भारत का संविधान बनाया। तो ये चार बातें हैं जिसे बाबा साहब को नज़रअंदाज किया। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर। दिल्ली के जंतर मंतर पे यूं तो लगातार यहाँ पर आए दिन धरना प्रदर्शन होता रहता है, लेकिन एक आज यहाँ पर आप देख सकते हैं दो व्यक्ति हैं, कुछ अलग ही मांग है इनकी, तो इन्हीं लोगों से जानते हैं। पहले मैं आपको ये सामने आपके इनके जो हाथ में ये ले रखे पोस्टर ये दिखा देती हूँ, तो प्लीज मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी ये जरा सही से दिखाएं। सामने आप देख सकते हैं नीचे हिंदी में भी लिखा है, मुद्रा नोट पर अंबेडकर जी की फोटो छपी होना चाहिए। तो अभी इन्हीं लोगों से जानते हैं कि ये आखिर ऐसी मांग लेकर क्यों यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं। तो सर क्या नाम है सबसे पहले? एसएल पॉल। तो ये जो आपके हाथ में मैं देख पा रही हूँ और हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, तो आपकी मांगे क्या है, क्यों आप मुद्रा नोट पर जो है अंबेडकर जी की फोटो मांग रहे हैं? पहली बात तो इंसानियत के तौर पे देखें तो हम डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी जितना कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, आज तक नहीं हुआ। हाँ जी, वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं। हाँ जी, और उसी बेस पे मैं कहूँगा कि उनकी फोटो जरूर इधर भी होनी चाहिए, ठीक है जी। गांधी जी के साथ ही चाहे लगाएं, गांधी जी के साथ, मगर यहाँ हम नोट देख पा रहे हैं जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं तो सिर्फ अंबेडकर जी की जो है फोटो है। गांधी जी की एक तरफ गांधी जी की हो जाए, बैक साइड पे गांधी जी की हो जाए। गांधी जी से क्या दिक्कत हो गई अब मुद्रा पर जो है नया? दिक्कत कोई नहीं है मैडम, लेकिन सिर्फ हम ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर साहब की फोटो भी जरूर लाएं। कब से चाह रहे हैं आप लोग? आप यहाँ पर दो ही लोग दिख रहे हैं। ये 2014 से चाह रहे हैं हम। 2014 से चाह रहे हैं, मगर आपके पीछे कोई भीड़ नहीं दिख रही है, आपके साथ कोई लोग नहीं दिख रहे हैं। काफी है, काफी बंदे बैठे होंगे। वो आप लोग वहाँ से हटकर यहाँ पर आए? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी हाँ। 2014 से आप लोग चाह रहे हैं, लेकिन 2022 आ गया। हाँ जी। अब तक आपकी चाहत पूरी नहीं हुई? नहीं, अभी तक चाहत नहीं पूरी हुई। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं मैडम कि डॉक्टर साहब की फोटो जरूर होनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ जी मैडम, आजादी का अमृत महोत्सव पता नहीं ये कैसे कह रहे हैं मैडम। गरीब लोगों की तरफ भी देखें ना, जरा इन्हें ध्यान अपनी दृष्टि जरा गरीबों पर भी घुमानी चाहिए ना, तो फिर इन्हें पता चले कि कैसे गरीब लोग जी रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और हैं सज्जन, तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश चंद्र। रमेश चंद्र जी, आपके हाथों में भी मैं ये देख पा रही हूँ, तो आप ये जो मांग लेकर 2014 से आप लोग लगातार शायद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं मगर यहाँ पर आपका? यहाँ पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश के लोग आए हुए हैं, हम उनके साथ हैं। हम यूपी मेरठ से आए हुए हैं, ये पंजाब से आए हुए हैं, तो हम उन्हीं तेलंगाना वाला के साथ हैं, क्योंकि एक विचार जब निकलता है ना तो धीरे धीरे फैलता है, मांग उठती है। तो बाबा साहब की मांग मुद्रा पर, भारतीय मुद्रा पर होनी चाहिए, इसके हमारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर वे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की, और रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है। एक मुद्रा का अर्थव्यवस्था में कैसे संचालन हो, कंट्रोल कैसे हो, बजट रेपो रेट क्या हो, इन सब पे कंट्रोल होता है, तो वो सोच बाबा साहब की थी। बाबा साहब ने ब्रिटिश पीरियड में रुपये की समस्या पर शोध किया, वो एक अच्छे अर्थशास्त्री थे हैं, और उन्होंने भारत का संविधान बनाया। तो ये चार बातें हैं जिसे बाबा साहब को नज़रअंदाज किया। कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी का चित्र लगाया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मदद की और कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ था बैंकों में कि गांधी जी के फोटो अलग हो और राष्ट्रीय चिन्ह वाला अलग हो,
पहले नोट पे गांधी जी का नहीं था राष्ट्रीय चिंता अशोक का, उसे हटाकर छोटा कर दिया, कोने पे लिया है महात्मा गांधी जी का लिया। हमें महात्मा गांधी जी से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमारे क्या चीज पे ऐतराज, फिर हमारे बाबा साहब का भी नाम होना चाहिए। अगर लगाया जाए तो ये चारों जो बातें मैंने बताई ये महात्मा गांधी जी में नहीं थी, तो इनको नजरअंदाज क्यों कर रहा है। बाबा साहब का जन्मदिन पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो एक संदेश भी जाएगा कि देखो भारतीय मुद्रा पर बाबा साहब का नाम है और उनका सम्मान भी है। तो ये अर्थव्यवस्था, ये जो मांग है अब 8 साल बाद आप लेकर आए हैं, 2014 से आप लोग कर रहे हैं, उसके पहले से क्यों नहीं कर रहे थे? देखो विचार निकलता है, धीरे धीरे फैलता है, डिमांड होती है, अब लोग डिमांड कर रहे हैं। इसकी सरकार में आपने ये डिमांड नहीं करी, भाजपा की सरकार में आप नहीं, बात सरकारों की नहीं होती, बात एक समय की होती है कि किस समय पर लोग जागरूक हो जाए और तो मांग, समय पे जागरूक हो चुके हैं क्या लोग? हाँ जब तो लोग मांग कर रहे हैं। अगर आप लोगों में जो है कभी भी हम देख पाते हैं कि आप लोग कभी भी इकट्ठा और संगठित नहीं है, बिखरे हुए हैं आप लोग, हाँ जागरूकता भी बहुत कम है। जो बिखरे हुए है ना, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब है लोगों का कहना है, मानना है, जो बिखरे हुए लोग है ना उसका ये कारण है। अगर आज देखा जाए तो कोई भी विपक्ष की पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोलती, उन्हें डर है जेल में जाएंगे, जेल में जाने का डर है। और अगर लगाया जाए तो हर पार्टी के भ्रष्ट विधायक सांसद हैं। अगर सही काम करेंगे तो जेलों में क्यों डाला जाएगा? अब ये तो फिर भी डर रहे हैं, अगर वे सही काम करते तो उन्हें डर नहीं होता, ये बात है। किन्हें डर नहीं होता? जो ईमानदार व्यक्ति है, जैसे अभी झारखंड में एक व्यक्ति है जिसने बताया कि देखो ये सरकार गिराने वाले हैं, वो व्यक्ति ईमानदार है, ऐसी बात नहीं, ईमानदार नहीं है, है। आप मुद्रा की बात कर रहे हैं, मुद्रा तो इतना गिर चुकी है, रुपया जो है गिर चुका है, महंगाई इतनी है, आप मुद्रा तो अब देखने को लोगों को मिलती नहीं है, आप मुद्रा पे फोटो की बात, हमने मुद्रा पे बाबा साहब के सम्मान की बात की है, ये बात है। जो मुद्रा गिर रही है, महंगा मुद्रा गिरी है, उसमें बाबा साहब का तो कोई रोल नहीं है ना, तो हम तो मुद्रा पे उनका चित्र चाहते हैं, ये बात। तो क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा है? हाँ हमारे लिए मुद्दा है, जो अंबेडकरवादी हैं उनके लिए मुद्दा है, उनके सब लोगों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा साहब ने तो संविधान दिया है लोगों को, पता नहीं वे क्यों नहीं मान। आजकल हमारे महापुरुष बढ़ चुके हैं, जैसे महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप का सभी सम्मान करते थे, लेकिन एक ऐसी हवा चल रही है वो राजपूतों तक सीमित हो गए, जबकि वे सभी के हैं। छत्रपति साहू जी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी हैं, वे सभी के हैं, लेकिन मराठों तक सीमित हो गए। छत्रपति वो ज्योतिबाराव फूले हैं, वे सभी के हैं, वे माली तक सीमित रह गए, ये समस्या है। जबकि समस्या तो आप ही लोगों द्वारा है कि आप लोगों में एकता नहीं है। एकता उन लोगों में नहीं है जो राजनीति को समझते नहीं, जो बाबा साहब के मिशन को समझते हैं। जैसे आज सभी निजीकरण का विरोध कर रहे, सभी निजीकरण का कर रहे, महंगाई का कर रहे, सबका कर रहे, लेकिन उनमें एकता नहीं है, ये बात है। कैसी एकता? एकता नहीं है ना, कोई भी विपक्षी दल एक साथ नहीं आता। अगर सारा विपक्षी दल एक साथ हो जाए तो कुछ तो लोगों के साथ, लोग किस पर निर्भर करते हैं? राजनेताओं पर, राजनीतिक पार्टियों पर। अब राजनीतिक पार्टियां चुप हैं तो जनता, जो आप नया जो है कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं तो कितना चलेगा और कितना लोग इस पर ध्यान देंगे और सरकारें ध्यान देंगी? देखिए शुरुआत हुई है ना, शुरुआत जब होती है ना, वो शुरुआत होती है कोई भी हो, फिर वो विचार धीरे धीरे फैलता है। और सरकार को मांग करनी चाहिए, मांगनी चाहिए, और नहीं नहीं मांगी तो जब मैं पीपल पार्टी ऑफ इंडिया का, आपके SC ST OBC के लोग तो जा कर के जो है वोट दे देते हैं सरकार को सत्ता में चुनने के लिए। ये देते हैं ना, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग जागरूक नहीं है। कैसे होंगे जागरूक? जागरूक की केवल एक संस्था है, बामसेप, जो काशीराम जी ने बनाई थी, वो लोगों को जागरूक, आज उसी की देन है ये सबको। जो आंदोलन है ना, जो महिलाएं आंदोलन कर रही है, वो बामसेप की देन है। जो निजीकरण के खिलाफ बोलते हैं, वो बामसेप की देन है। न्यायपालिका पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, न्यायपालिका पर उंगली करती है, वो बामसेप की देन है। तो लेकिन धीरे धीरे हो रहा, लेकिन वे लोग संगठित नहीं है, ये कारण है। अब ये कैसे लाएंगे, अब बाबा साहब की फोटो कैसे लाएंगे मुद्रा? सरकार से मांग कर रहे हैं ना, अब ये मांगना या ना मानना सरकार के काम है। यहाँ पर शांति से बैठ के आप दो लोग दिख रहे हैं? नहीं दो लोग नहीं, बहुत सारे लेकिन मेरे वहाँ पे है। आप कभी कभी आ जा रहे हैं, जो 2014 से आपका ये शायद मिशन चल रहा है।
हाँ जी मिशन चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे फैल रहा है ना, धीरे धीरे फैल रहा है ये बात। अब देखो सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ पर फोटो ला के रहेंगे। बिल्कुल नहीं आती है तब क्या करें, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, आएगा। हम लोगों ने पीपल पार्टी ऑफ इंडिया बनाई है, पीपल पार्टी ऑफ इंडिया, और मैं नॉर्थ ईस्ट का उसका अध्यक्ष हूँ। ठीक है, जो पीपल पार्टी ऑफ इंडिया बनाई है वो एक नई पार्टी है, 2018 से अभी रीवा में उनके कैंडिडेट जीते हैं, बिहार में हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो हम जीतेंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो हमें आएगी आपकी सरकार, जब भी आएगी, विचार विचार नहीं मरता, इंसान मर जाते हैं। मोदी जी भी कहते हैं सपना देखिए अच्छी बात है, सपना देखना, हाँ सपना देखना अच्छी बात है, हाँ सपना है, सपना देख रहे हैं, सपना नहीं, सपना ही रहेगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं, सपने को साकार करेंगे। देखो आज मैसेज जा रहा है ना सरों में, पूरे भारत में जाता है। जागरूक कैसे होंगे आपके समाज के लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, पहले उन्हें पढ़ाने लिखाने का काम करना होगा, पढ़ाई लिखाइयों से वंचित है, सबसे ज्यादा रैलियों में वही लोग दिखते हैं। जब ही तो यानी के लोग पढ़े लिखे ना हो तभी तो ये शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं कहीं, कैसे जैसे बहुत से प्राथमिक विद्यालय भी बंद कर दिए, बहुत से प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए, अभी कह रहे हैं कि प्राइमरी स्तर तक की परीक्षा डिजिटल से होगी प्राइमरी, डिजिटल इंडिया बन चुका है, डिजिटल इंडिया। देखिए जहाँ सुई काम आते हैं वहाँ तलवार नहीं आती, डिजिटल इंडिया होना अलग बात है, लेकिन विद्यालयों में शिक्षक होना जरूरी है, शिक्षक को खत्म किया जा रहा है, शिक्षक को खत्म कर रही कि जैसे प्राइमरी स्तर पे कह रहे हैं कि डिजिटल से पढ़ाएंगे, उसमें जरूरत ही नहीं होगी शिक्षक की। अच्छा चलिए अब आखिरी सवाल बताइए कि क्या कुछ करेंगे अब इसके लिए, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो अब क्या आगे रहेंगे, आपके कदम क्या रहेंगे? लोगों को जागरूक करेंगे जब तक इनका फोटो मुद्रा पर नहीं आ जाता, जब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा, जागरूक लोगों को हम जागरूक करेंगे। तो अभी हमने जो है इन्हीं लोगों से जाना किस तरीके से ये लोग जो है मुद्रा पर बाबा साहब की फोटो की मांग कर रहे हैं, और लगातार इनका जो मिशन है धरना प्रदर्शन है, लगातार 2014 से इनका मिशन चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि 2014 से हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और लगातार इनकी डिमांड और मांग ये है कि मुद्रा पर जो है बाबा साहब की भी फोटो होनी चाहिए, जिस तरीके से गांधी जी की फोटो है वहाँ पर, एक तरफ जब अशोक चिन्ह था तो धीरे धीरे वहाँ गांधी जी की फोटो लाई गई, गांधी जी की फोटो से इन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं जिन्होंने संविधान की रचयिता है, जिन्होंने विधि विधान को बनाया, महिलाओं को आजादी दी, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, लोगों को जीने का अधिकार दिया, तो ऐसे इंसान की फोटो मुद्रा पर क्यों नहीं हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो व्यक्ति मौजूद हैं और बाकी इनके जो लोग हैं वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मिशन है, मैंने पूछा कि आप ये कब तक चाहते हैं और क्या करेंगे, तो इनका कहना है लोगों को ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे और कभी ना कभी तो ये सपना हमारा साकार होगा। तो वाकई में बाबा साहब ने जिस तरीके से लोगों को जीने का अधिकार दिया, खासकर ऐसे महिलाओं को जो घरों से निकल नहीं सकती थी, उन महिलाओं को बोलने का अधिकार दिया, लड़ने का अधिकार दिया, अपने अधिकारों को जानने पहचानने का अधिकार दिया, तो ऐसे इंसान और ऐसे व्यक्ति की फोटो वाकई में क्या मुद्रा पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप भी बताएं। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।